450 इम्प्लाइज जम्मू श्रीनगर में काम कर रहे हैं और वीआईपी कोठियों के घरों के अंदर जितने भी बंगले यहां पर आईपी अफसर हो या केएस अफसर हो, जो भी बाहर के गवर्नर हो, एडवाइज़र हो, उनके घरों में हम एम्प्लाइज हैं और हम काम अंजाम दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जेएनके के अंदर आज तक 25 सालों में हमारे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी की गई और ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का चार्ज है ये सेना साहब के पास है। हम मीडिया के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं सेना साहब को कि अपने घर में झांक लें, अपने घर को जब संभालेंगे फिर बाकी डिपार्टमेंट में जेएनके के अंदर वो मसले सुलझा सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा पीएचई जल जीवन शक्ति उनका वो नाम ले रहे हैं और स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि खुद अपने पास चार्ज है। हमारा कैबिनेट डिसीजन हुआ है ये 2004 में कैबिनेट डिसीजन, जो कि हमारे पास ऑर्डर भी पड़ा हुआ है। कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम जेएनके में 450 एम्प्लाइज जो काम कर रहा है वो हमारा कोई बकाया वेतन नहीं है और कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम जेएनके में कैजुअल वर्कर 450 एम्प्लाइज जम्मू श्रीनगर में है और स्ट्रेट के अंदर फिर पिछली कलेक्शन सरकार ने एक एसआरओ 520 निकाला था। जैसा कि आपने देखा एसआरओ 520 जब लागू हुआ और उसको भी इन्होंने उसके बीच में आड़ बने हुए उस एसआरओ को रुका दिया और सुंजा फाइलें स्ट्रेट के अंदर 3 साल से बंद पड़ी हुई है। खाली जीएसए नंबर लगाना है और उस पर ज्वाइनिंग मुलाजमों ने डालनी है, उसके बावजूद काम करने के बजाय उनको सीज कर दिया गया। इसका क्या वजह है? कब हमारा संविधान होगा? कब हमारी सुनवाई होगी? आदाब, नमस्कार।